मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लगभग सभी जलाशय अपने फुल लेवल तक पहुंच गए हैं। मौसम विभाग की माने तो भोपाल में जुलाई महीने में होने वाली बारिश का कोटा भी पूरा हो गया है। सोमवार से बारिश के थमने के बाद धूप छांव का माहौल बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में और भी बारिश होने की संभावना है। नमस्कार, मैं प्रकाश धौले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में जो है पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा, अलग अलग जो हुए, कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। तथा वेस्ट एमपी जो है वहाँ पे फेयरली वाइड स्प्रेड वर्षा दर्ज की गई है। ईस्ट एमपी में स्कैटर्ड फॉर्मेट में वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा जो है खरगोन जिले में दर्ज की गई है, 86 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं कि अभी जैसे स्थिति बनी हुई है, तो एक मानसून ट्रफ जो अपना राजस्थान से होते हुए आगे ग्वालियर से होते हुए, सतना से होते हुए, फिर बालासोर से निकलते हुए फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ये मानसून ट्रफ की पोजीशन है द्रोणिका की। उसके साथ ही एक झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, और उसके साथ एक ऑफशोर ट्रफ भी है नीचे में, और यहाँ पे एक शियर जोन बना हुआ है। तो इन सब सिनॉप्टिक सिचुएशन के चलते आने वाले 24 घंटे में जो है आप देख सकेंगे कि ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश के अनेक जिले जैसे जबलपुर शहडोल संभाग, सागर संभाग के कुछ जिले और रीवा संभाग के कुछ जिलों में जो है अच्छी वर्षा देखी जा सकती है। कहीं कहीं जो है मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और जैसे इधर पश्चिम मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के कुछ जिले हैं वहाँ पे, और पूरा मालवा में जैसे इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में मॉडरेट रेनफॉल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जैसे अभी राजधानी भोपाल की बात करें तो वहाँ पे जो है बादल दिन भर छाए रहेंगे, और शाम को संभावना है कि हल्की गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है।